हेलो बच्चों, एग्री अब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। तो अपनी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सी शाखा चल रही थी? जैसा कि आप कहोगे सर, ओलेरी कल्चर अपने पढ़ रहे थे। तो ओलेरी कल्चर में बच्चों अपनी कॉल क्रॉप का अध्ययन करवाया जा रहा था, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट अपनी कर चुके थे। पार्ट नंबर फर्स्ट अपना कम्प्लीट हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखें, और आज का अपने पास कौन सा बच्चों पार्ट नंबर सेकंड, यानी कि उसी को आगे बढ़ाते हुए ये करेंगे। ओके, तो आज अपनी कंप्लीट कर लेंगे उम्मीद है। यदि नहीं होता है तो पार्ट नंबर थ्री आ जाएगा कॉल क्रॉप का। ओके बच्चों, चलो यहाँ देखो अपने पास कौन सा, देखो पत्ता गोभी। पत्ता गोभी किस वर्ग में आ रही है बच्चों, यानी कौन सी क्रॉप के अंतर्गत आ रही है? अपने कॉल क्रॉप का अध्ययन कर रही थी, कॉल क्रॉप का। ओके, कॉल का अर्थ हुआ यानी कि बच्चों वैसे क्या रहेगा, कॉल सीजन की फसलें यानी कि ठंडे ऋतु की। परंतु कॉल किस शब्द से लिया गया है? कॉल क्या होता है बच्चों? लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। परंतु शब्द कौन सा होगा अपने पास? कॉलिस। कॉलिस शब्द से लिया गया। कॉल शब्द किस शब्द से लिया गया? कॉलिस से लिया गया है। और इसका बच्चों अर्थ यानी कि मीन्स क्या रहता है? इसका अर्थ होता है बच्चों स्टेम। ओके, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ये आपको कॉल किस भाषा का शब्द है। अब आप कहोगे सर कॉल लैटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द रहेगा बच्चों? ये लैटिन वर्ड रहेगा। किससे लिया गया है? कॉलिस से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है बच्चों? स्टेम है। चलो, तो यहां पर अपने पास पत्ता गोभी केबेज के बारे में अध्ययन करें। तो बच्चों कल बताया था इसका बॉटनिकल नेम क्या होने वाला है, यानी कि इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया। वेराइटी अपने पास इसका क्या रहेगा? अब देखो आपको सर कल आपने बताया था इसका खाने योग्य भाग क्या रहता है बच्चों? हेड। और हेड पर क्या लगाती है? कैप लगाती है। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी रहेगा बच्चों कैपिटाटा। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। ओके, अब देखो बच्चों ये किस कुल से यानी फैमिली से बिलोंग कर रही है? तो ब्रेसिकेसी कुल का प्लांट है। ब्रेसिकेसी कुल का प्लांट है। ये किस कुल का प्लांट है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, या अपने क्या करेंगे? क्रूसीफेरी कुल का प्लांट होता है। सर इसमें और कौन से प्लांट रहते हैं? तो और बच्चों सरसों वर्ग यानी मस्टर्ड वर्ग है, वो भी किस में आता है? ब्रेसिकेसी कुल में ही आता है। ओके सर, चलो अब इनका बच्चों यदि पूछा जाए ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा? मेडिटेरियन क्षेत्र। ओके, और वहीं बच्चों इसमें अपने पास क्रोमोसोम नंबर दिया जाए, गुणसूत्र संख्या। तो ये कल अपने डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये वैसे रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर बच्चों कितने रहेंगे? 18 रहेंगे। अब आप कहो सर 18 और किन में रहेंगे बच्चों? अनार में। और किस में रहेंगे? पपीता में, अनार में, पपीता में, गाजर में, मूली में, ठीक है। तो इनमें क्या पाए जाएंगे? नींबू वर्गीय फलों में, बेल पत्र में। तो इन सब में क्या है? क्रोमोसोम नंबर कितनी? 18। अब आप कौन सा इस प्रकार पढ़ाएंगे? हाँ बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहें, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट का ये प्लेटफॉर्म है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और डेली का एक लेक्चर देखना है, और यदि ये आपने ईमानदारी से देखा है तो आने वाले टाइम में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होंगे, या आपने जो ड्रीम लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में वो आप हासिल कर सकेंगे। ओके सर, बने रहेंगे आपके साथ। थैंक यू बच्चों। चलो, तो इसका बच्चों क्या रहेगा? खाने योग्य भाग बच्चों क्या होता है? हेड होता है। खाने योग्य भाग क्या होता है? हेड रहेगा। ओके सर, ये इस प्रकार का दिखाई देगा क्या प्लांट? हाँ बच्चों, इसी प्रकार का दिखाई देगा। चलो, हेड क्या रहता है बच्चों? किसका रूपांतरण है? तो ये लीव्स का रूपांतरण है। ओके, हेड पत्ती का रूपांतरण है। आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि आलू रूपांतरित है,
ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, रूट का कर देते हैं, जड़ का कर देते हैं, परंतु बच्चों जड़ का नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टेम का होता है। आलू रूपांतरित है या मॉडिफिकेशन है किसका, बच्चों स्टेम का। ओके, हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान बच्चों कितना होता है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान आवश्यक रहेगा। हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 से 6 पत्तियों की अवस्था पर इसकी बच्चों रोपाई करते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग किस अवस्था में करते हैं, 4 से 6 पत्तियां जब होती है तो इसकी रोपाई की जाती है। याद हो गया इसका बच्चों बोटनिकल नेम क्या रहेगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा। ओके, किस कुल का प्लांट है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का प्लांट है। ओरिजिन प्लेस क्या है बच्चों, ओरिजिन प्लेस इसका क्या है, मेडिटेरियन रीजन है। क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 18 थे। खाने योग्य भाग क्या है बच्चों, हेड है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है बच्चों, कंपेरिजन करें क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, अब अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की भर्ती थी उसमें क्वेश्चन आया था, तो क्या था, कर्ड। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है, कर्ड है बच्चों। हेड रूपांतरण है किसका, लीव्स का हो गया। हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना रहेगा, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा, और इसकी रोपाई करनी चाहिए बच्चों 4 से 6 पत्तियों की अवस्था पर इसकी रोपाई करनी चाहिए। ओके बच्चों, चलो फल प्रकार बच्चों क्या रहेगा, फल प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलिकुआ। क्रूसीफेरी कुल के जितने भी प्लांट हैं, क्रूसीफेरी कुल के जितने भी प्लांट हैं उनका फल प्रकार क्या रहेगा बच्चों, सिलिकुआ रहेगा। क्या रहेगा, सिलिकुआ रहेगा। ओके सर, चलो बात करते हैं इसके पोषक क्रम का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों पोषक क्रम इसका क्या है, कैटकिन। सर फूल गोभी का आपने क्या बताया था, फूल गोभी का बताओ बच्चों क्या बताया था, अब आपको सर रेसिमोस बताया था, क्या बताया था, रेसिमोस बताया था, ठीक है ना, रेसिमोस। ओके सर, तो इसका इंपॉर्टेंट है कैटकिन रहेगा। बीज उत्पादन केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही किया जाता है बच्चों, बीज उत्पादन यानी कि सीड प्रोडक्शन बच्चों कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर हिली एरिया में किया जाता है। और बच्चों इसमें कैबेज के सीड प्रोडक्शन की कितनी विधियाँ होती है, इसकी 2 विधियाँ होती है, कितनी विधि होती है बच्चों, 2 विधि होती है। चलो मैं आपको नोट्स टाइम में बता रहा हूँ, तो सीड प्रोडक्शन की बच्चों यानी कि बीज उत्पादन की इसके पास अपने पास कितनी विधियाँ होती है, 2 विधियाँ होती है, कितनी, 2 विधियाँ, आप कहो सर 2 विधियाँ होती है, कौन कौन सी होती है बच्चों, देखो ए नंबर मेथड कौन सा है, सीड टू सीड प्रोडक्शन होता है। ओके सर, सीड टू सीड प्रोडक्शन हो जाएगा याद, हाँ सर आप डा रहे हैं याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ओके बच्चों, चलो देखो ये किन के लिए याद रखना होगा, ये बच्चों कौन से सीड, ओनली फॉर कौन से, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। कौन सा मेथड, सीड टू सीड प्रोडक्शन मेथड। सर बी नंबर मेथड कौन सा रहेगा, हेड टू सीड मेथड होता है। ओके सर, तो ये हेड टू सीड मेथड है, ये बच्चों किसके लिए रहेगा, ये ओनली किसके लिए, ये अपने पास ब्रीडर एंड न्यूक्लियस सीड के लिए सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, हेड टू सीड मेथड किया जाएगा बच्चों। यहाँ से अपने पास किसमें, WAO 2018 में क्वेश्चन आया था बच्चों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ओके सर, ठीक है, तो आपको वेल तैयारी करना होगा, और यदि यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको बाजार में किसी भी बुक में घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा वेल तरीके से कोर्स करवाया जाएगा। यदि आप ऑफलाइन बेंच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों हमारा ऑफलाइन बेंच भी स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से, जेट ICR BHU व एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, और वो भी नाम मात्र फीस के साथ, तो आप डेमो क्लास जरूर अटेंड करें। चलो बीज उत्पादन बच्चों कितना होता है इसमें, 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हो सकता है बच्चों हमने क्विंटल लिख दिया, आपको वहाँ क्या मिल जाए, 500 से 650 kg प्रति हेक्टेयर, तो कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, रेंज यही रहेगी, बस पढ़ने का तरीका अलग होगा बच्चों। भीड़ से निकलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है ना,
जब सफलता मिलती है तो काफिला आपके पीछे होता है। और सफलता बच्चों एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलेगी, बस अपना एम निर्धारित करें। चलो, भारत का बच्चों पत्ता गोभी उत्पादन में विश्व में बच्चों तीसरा स्थान है। पत्ता गोभी उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ओके सर, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी की देखा जाए, प्रोडक्टिविटी देखा जाए इंडिया में, तो बच्चों किस में? मध्य प्रदेश की रहेगी पत्ता गोभी के उत्पादन के हिसाब से। चलो, आंकड़े हो सकता है चेंज होते रहें, तो आप ज़्यादा इनके रटने की कोशिश ना करें, जो अब वर्तमान में है वो चल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, चलो, पत्ता गोभी में बच्चों एंटी कैंसर विशेषता पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है बच्चों? इंडोल थ्री कार्बिनोल नामक तत्व के कारण पाई जाती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इंडोल थ्री कार्बिनोल नामक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसके कारण इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को बच्चों याद करना पड़ेगा, इंडोल थ्री कार्बिनोल। ओके सर, चलो, क्या कारण होती है? कैबेज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बच्चों? फ्रेंच भाषा से हुई है। कैबेज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है। ओके, और कोल शब्द की बताया था सर आपने, कोल शब्द का बताया था क्या? हाँ बच्चों, कोल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, वर्ड आपको बताया था कोलिस, ठीक है, और इसका अर्थ बताया था क्या? मीन्स बताया था इसका, स्टेम। ओके सर, आपने बताया, सभी बताया होगा। हाँ बच्चों, चलो, केबेज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के कोबोचे से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? हेड है। सर, इसका अर्थ ये हुआ कि खानी योग्य भाग क्या होगा? हेड होगा। इसका खानी योग्य भाग क्या होगा? हेड होगा बच्चों। ओके सर, चलो, जलवायु बच्चों ठंडी जलवायु की ये क्रॉप रहती है। जलवायु कैसे होती है? ठंडी, यानी ये कूल सीजन क्रॉप है। ओके सर, ये कूल सीजन क्रॉप है बच्चों, हो जाएगा याद। यानी कि भारत का पत्ता गोभी के उत्पादन में विश्व में बच्चों तीसरा स्थान है। पत्ता गोभी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इंडोल थ्री कार्बिनोल नामक तत्व के कारण पाई जाती है। कैबेज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, और फ्रेंच भाषा का शब्द कोबोचे से हुई है, जिसका अर्थ क्या है बच्चों? हेड है। जलवायु इसकी कैसे रहने वाली है? ठंडी जलवायु रहने वाली है। इसको किस में रखा गया है? कोल क्रोम में। कोल शब्द किस भाषा का है? लैटिन वर्ड है। किससे लिया गया है? कोलिस से लिया गया था, और जिसका अर्थ क्या है बच्चों? स्टेम है। ओके सर, चलो, अब अपने पास देखो बच्चों सीड रेट, बीज दर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। ओके, हो सकता है अपने पास जनरली दिया 500 से 650 ग्राम भी होता है, और 300 से, तो इसमें अगेती पछेती का भी रोल रहता है बच्चों। तो इसमें स्पेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ज्यामिति, ये क्वेश्चन आया था 45x45 सेंटीमीटर अगेती में रखा जाता है। ये क्वेश्चन किस में पूछा था बच्चों? WO 2018 वाले वैकेंसी में पूछा था। ओके सर, चलो, ज्यामिति 60x45 रखी जाती है बच्चों, 75 वेरायटियों, जो इसकी लेट वेरायटी रहती है उनमें 60x45 रखी जाती है। ओके सर, चलो, बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है बच्चों, और इसमें इतनी किसकी रखी जाती है बच्चों? रिजका की। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखी जाती है। रिजका का बच्चों यदि टेस्ट वेट देखा जाए, टेस्ट वेट आपको याद करवाना है, टेस्ट वेट तो भी कितना रहता है? 2 ग्राम रहता है। ओके सर, चलो, बुआई का समय इसका क्या रहेगा? अगस्त से दिसंबर तक कर सकते हैं, अगेती पछेती मध्यम इसमें रहता है, जनरली आपको याद। कोई दिक्कत? नो सर, आप पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार बच्चों आप क्या करें, हमारे साथ नोट्स मेंटेन करें, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत एक दिन रंग लेकर आएगी। चलो, ये बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दे दिया है जो आपको याद करना होगा। ओके सर, देखो बच्चों, अगेती यहाँ देखें, यहाँ क्या देखोगे? अर्ली, मिड और यहाँ पर बच्चों लेट वेराइटी, अर्ली मिड लेट वेराइटी। ओके सर, अगस्त से आपने दिसंबर का टाइम बताया था ना, प्लांटिंग टाइम क्या था? अगस्त से दिसंबर, तो अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर दिसंबर हो गया। ओके, अर्ली मिड लेट, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर याद हो गया। ओके सर, ये प्लांटिंग टाइम हो गया बच्चों। या 500 से 600 ग्राम अगेती में, ये 400 से 500, सर अगेती का आपने स्टार बताया था ना। हाँ बच्चों, अगेती अर्ली वेराइटी रहती है, उनको 45x45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से लगाती हैं,
बाकी दोनों में 60x45 60x45 सर आपने तो याद करवा दिया। हाँ बच्चों ओके, सितंबर अक्टूबर ये तुड़ाई का समय, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर जनवरी, ओके सर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर जनवरी दो बार साथ में बोले। तुड़ाई का समय अर्ली मिड लेट, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर नवंबर दिसंबर, ओके सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर जनवरी हो गया। चलो 200 से 300 क्विंटल, 200 से 300, 300 से 450, 300 से 450, ओके सर। फूल गोभी पत्ता गोभी में भी इसी प्रकार अपने पास आपको टेबल दिया था तो याद करना जरूरी हो जाएगा। तो बच्चों याद करना जरूरी है और आपको याद करना पड़ेगा, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, अभी से तैयारी लग जाएं। आपको बहुत शानदार कंटेंट दिया जा रहा है, आपको जिंदगी मौका बार बार नहीं देगी बच्चों, ओके। ये बुआई का समय और सीड रेट की मात्रा होगी। चलो पत्ता गोभी की महत्वपूर्ण किस्में बच्चों, पत्ता गोभी की महत्वपूर्ण किस्में क्या पढ़ेंगे बच्चों, पत्ता गोभी की महत्वपूर्ण किस्में, ओके। चलो तो यहाँ देखो अर्ली हाइब्रिड और अन्य की बात करेंगे तो अगेती में गोल्डन एकड़ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकड़ प्राइड ऑफ इंडिया। जैसे अब की बार प्राइड ऑफ इंडिया पूछा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा था, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी है, ओके बच्चों। कोपेनहेगन मार्केट एक्सप्रेस, पूसा सिंथेटिक, पूसा अगेती, पूसा अगेती, ओके। तो ये वेराइटी आपको याद होना चाहिए, ये दोनों वेराइटियाँ बच्चों किसमें आपको पूछा जाता है, संयुक्त रूप से पूछा जाता है, गोल्डन एकड़ व प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है, किसकी बच्चों, किसकी है, किसकी है, केबेज की है, पत्ता गोभी की है, पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता भी पूछा जाता है, वो भी केबेज की रहेगी बच्चों। चलो पूसा मुक्ता ये आ गया ना, पूसा मुक्ता भी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, पूसा ड्रम हेड, पूसा संबंध, पूसा रेड, पूसा रेड में कन्फ्यूजिंग हो जाती है बच्चों, पूसा रेड ज़्यादातर बच्चे किसकी कर देंगे, प्याज की कर देते हैं, प्याज की कर देते हैं, वो बच्चों क्या होता है, नास्टिक रेड होता है, नास्टिक रेड होता है, ओके ध्यान रखें। चलो पूसा रेड प्याज की नहीं है, पत्ता गोभी की है। अब देखो बच्चों इस वेराइटी को भी अपने पास संयुक्त रूप से पूछा जाता है कंबाइन में कि अगस्त व सितंबर वेराइटी हैं किसकी हैं, कैबेज की हैं, पूसा अगेती, रेड एकड़ बच्चों लाल रंग की किस्म है, तो इतना आपको याद करना खुद का, ओके लाल रंग है इसका, ओके सर। चलो बोल्टिंग संबंधित हैं, बोल्टिंग संबंधित हैं बच्चों, बोल्टिंग प्याज में भी पाई जाती है, बोल्टिंग प्याज से भी संबंधित है और केबेज से भी हैं, यानी पत्ता गोभी से भी हैं, बोल्टिंग का संबंध रहेगा पत्ता गोभी व प्याज से। तो पत्ता गोभी में हेड बनने से पहले बीज उत्पादन हेतु डंठल का निकलना क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। इसी प्रकार प्याज में भी बीज उत्पादन से पहले एक डंठल कलिका बन जाती है वो क्या कहलाएगी, बोल्टिंग। सर ये किसके कारण होता है बच्चों, ये होता है बच्चों अपने पास कारण क्या रहेगा, यानी कि अगेती वेराइटियों को लेट सीजन में बोना भी कारण रहता है और अधिक तापमान भी इसका कारण रहता है, कारण क्या रहेगा, अधिक तापमान, वह अगेती वेराइटियों को मिड यानी लेट सीजन में बोने के कारण, कारण इसमें लिख सकते हो अगेती किस्मों को देरी से बोने पर, किस्मों को देरी से बोने पर, ओके। और यह क्या रहेगा, अधिक तापमान, दूसरा अपने पास कारण क्या रहेगा, अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान इसका हो जाएगा कारण, ओके सर। चलो कॉल क्रॉप के बच्चों अब बात करेंगे प्रमुख रोग, सर अपने कॉल सभी क्रॉप के करें, हाँ बच्चों सभी क्रॉप के करेंगे, ओके। आद्र गलन यानी डंपिंग ऑफ, सर ये पपीता में भी होता है ना, हाँ बच्चों ये पपीता का भी है, ओके। ये देखो बच्चों आद्र गलन या डंपिंग ऑफ, इसमें इस प्रकार जड़ें क्या हो जाती है, गल जाती है, ओके सर। ये फूल गोभी का बच्चों प्रमुख रोग है, कॉल क्रॉप में भी किसका, कॉलीफ्लावर का है, किसके कारण रहने वाला है, कवक जनित रहने वाला है बच्चों, किसके कारण होगा, पीथियम अल्टीमम, पीथियम अल्टीमम या राइजोक्टोनिया सोलेनेसी, राइजोक्टोनिया सोलेनेसी नामक कवक के कारण होता है, ओके सर। दूसरा बच्चों अपने पास काला सड़न रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक रोट, हाँ बच्चों ब्लैक रोट, ब्लैक रोट हो जाएगा, ओके सर। ब्लैक लेग भी होता है बच्चों, ब्लैक
ब्लैक लेग रोट, ब्लैक लेग या इसको क्या कहेंगे ड्राई रोट भी एक रोग आएगा बच्चों। ओके सर, तो ये ब्लैक रोट है, ये देखो बच्चों पत्ता गोभी का है ब्लैक रोट। ओके सर, तो ये पत्ता गोभी का प्रमुख रोग है, आपने पहचान लिया? हाँ सर पहचान लिया। ड्राई अपने पास कौन सा था, डंपिंग ऑफ, आद्र गलन रोग किसका था, इम्पोर्टेंट फूल गोभी का था, ये किसका है बच्चों पत्ता गोभी का है। चलो किसके कारण हो रहा है, जीवाणु द्वारा हो रहा है। ये ब्लैक लेग आएगा वो किसके कारण रहेगा, कवक के कारण होगा, कवक के कारण होगा बच्चों। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस वेराइटी कॉम्पेस्ट्रिस इसका नाम रहेगा, जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस वेराइटी कॉम्पेस्ट्रिस। सर ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ लगता है बच्चों, इसी प्रकार का किस में पढ़ा था, इसमें अपने पास सिट्रस कैंकर में पढ़ा था, किस में पढ़ा था बच्चों, सिट्रस कैंकर में। हाँ सर आपने बताया था कैंकर रोग। ओके, किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा होता है, डबल याद करवा दिया। हाँ सर डबल याद करवा दिया। कर्ड रोट, कर्ड रोट या सॉफ्ट रोट बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, सॉफ्ट रोट है एक बच्चों क्या है, रोग है। आपको दिया जाए सॉफ्ट नोज, क्वेश्चन आ सकता है जैसे आज यहाँ पढ़ा आपको क्वेश्चन पूछ लिया, सॉफ्ट नोज है एक, सॉफ्ट नोज है एक बच्चों क्या, दैहिक विकार है, दैहिक विकार है यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या है बच्चों फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके सर, किस क्रोप का है, दूसरा पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट नोज किस क्रोप से संबंधित है, आम में सॉफ्ट, आम की फसल में सॉफ्ट नोज एक क्या है, दैहिक विकार है। सॉफ्ट रोट या कर्ड रोट रोग का संबंध है बच्चों किससे है, तो ये अपने पास कॉल क्रॉप से रहेगा। इसमें बच्चों किसके द्वारा होता है, रोट लग गया देखो यहाँ पर कवक द्वारा, कवक का नाम इरविनिया क्रोटोवोरा, इरविनिया क्रोटोवोरा कवक रहेगा। भंडारण के दौरान का ये बच्चों क्या रहता है, प्रमुख रोग होता है, भंडारण के दौरान का प्रमुख रोग होता है। सर इस प्रकार पढ़ाएंगे, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस बने रहे हमारे साथ। देखें आप में जुनून होना चाहिए, एक बार पूरा वीडियो देखें आप। चलो सर, सफ़ेद रोली रोग हमने कहीं ना कहीं किस में, एग्रोनॉमी क्रो में पढ़ा था। हाँ बच्चों सही सोचा है आपने, सरसों की फसल में पढ़ा था, किस में पढ़ा था, सरसों में सफ़ेद रोली रोग लगता है, वाइट रस्ट। हाँ सर ये वाइट रस्ट। ओके बच्चों, सर ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, अपने पास ब्लैक रस्ट येलो रस्ट किस में लगती है बच्चों, गेहूँ में लगती है। वाइट रस्ट किस में लगती है, सरसों में लगती है। किसके कारण होगा बच्चों, ये देखो इसके सिम्टम वाइट रस्ट के। ओके, ये देखो पत्तियों पर इस प्रकार के वाइट फफोले टाइप बन जाता है। चलो किसके कारण होता है, कवक द्वारा होता है, कवक का नाम क्या रहेगा, एल्बुगा कैंडिडा, एल्बुगा कैंडिडा। तो ये कवक का नाम भी याद करना होगा बच्चों, जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बुगा कैंडिडा। ओके सर, सामान्यतः ये किस मृदा में होता है बच्चों, अम्लीय मृदा में होता है, सामान्यतः ये किस मृदा में होता है, अम्लीय मृदा में होगा। ब्लैक लेग या ड्राई रोट, ब्लैक लेग या ड्राई रोट। ओके सर, ये अपने पास, ये देखो बच्चों ये अपने पास ब्लैक लेग या ड्राई रोट कैबेज का वेरी इंपॉर्टेंट रोग रहेगा, किसका, कैबेज का, कवक द्वारा होता है। यहाँ पर ये फ्यूजेरियम स्पीसीज काम में आती है, कौन सी स्पीसीज काम में आएगी, फ्यूजेरियम स्पीसीज काम में आएगी। ओके, और ये बच्चों आपको इम्पोर्टेंट याद करना है कि सीड बोर्न डिजीज है, ब्लैक से क्या याद रखोगे, ब्लैक से बीज जनित रोग हैं, ये पूछा गया है बच्चों, ये पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है आपको। ड्राई रोट या ब्लैक लेग कवक द्वारा याद रखना होगा, फ्यूजेरियम स्पीसीज है, ठीक है ना। और ये बीज जनित यानी सीड बोर्न डिजीज है, किससे फैलता है बच्चों, सीड बोर्न, बीज से फैलता है, सीड बोर्न डिजीज है। ओके सर, इसकी एक विशेष सिम्टम है, ये देखो बच्चों ऐसे राउंड सर्किल बन जाती हैं पत्तियों पर, स्टेम पर, ब्लैक लेग। ओके, जहाँ से ये देखो इस प्रकार के। चलो फिर अपने पास आ जाता है क्लब रोट, क्लब रोट, क्लब रोट बच्चों, क्लब रोट वेरी इंपॉर्टेंट, किसका, पत्ता गोभी का रहेगा। ओके, यहाँ देखो पत्ता गोभी का प्रमुख रोग है, किसका रहेगा बच्चों, पत्ता गोभी का, क्लब रोट बहुत इंपॉर्टेंट। इन छओं में यदि दिया जाए तो इसको मैंने दे दिया 6 स्टार। क्लब रोट किसका रहता है, पत्ता गोभी का रहता है बच्चों, कवक जनित है, और इस कवक का बच्चों नाम क्या है, प्लाज्मोडी फेरा ब्रेसिकी नामक कवक द्वारा होता है।
प्लाज्मोडिफेरा ब्रेसिकी नामक कवक द्वारा होता है। प्लाज्मोडिफेरा ब्रेसिकी नामक कवक द्वारा होता है। ओके सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये अधिक जानकारी के लिए बच्चों आपको संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहें। ऑफलाइन बेंच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जेट आईसीआर बीएचयू व एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, और अपने दोस्तों को ये लेक्चर आगे शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करें, घर बैठे शानदार तैयारी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।